कुशीनगर जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद पडोरना के खीरिया टोला में सीए बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस बल पर पथराव भी किया। वहीं आपको बता दें कि जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि लोग पुलिस के ऊपर कैसे पत्थर बरसा रहे हैं, जिससे पुलिस को मजबूरन पीछे भागना पड़ा। ज्ञापन दिए, उसके बाद कुछ लोग उसमें भाषण करने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ को रोकने के प्रयास में फिर वो कई बाहर के लोग उनको ज्वाइन कर लिए और उसके बाद कुछ लड़कों ने बर्ताव शुरू किया, जिसमें से भाई को और लोगों को शायद मीडिया वालों को भी लोटाई है। तो मैं दिखा रहा हूँ इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसमें हयात दर्ज होगी और इसमें प्रभावी कार्रवाई की होगी। नहीं, इस समय जो है प्रशासन जो है असहाय दिखा, चारों तरफ से लड़के घेर लिए थे, तो इस पर क्या कहेंगे? पुलिस व्यवस्था क्या थी आपकी? पुलिस व्यवस्था हमारी पूरी है, क्योंकि ये शहर से बाहर का इलाका है और जो सूचना मिली थी उसके आधार पर पर्याप्त फोर्स लेकर यहाँ पहुँचे थे। अब अचानक भीड़ इनकी इकट्ठा हुई और पथराव कर दिया, तो पथराव तो अगर फोर्स ज़्यादा भी होता है तब भी चोट लगती है, कम होता है तो भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और इसके लिए बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं, ऊपर से भी हैं और यहाँ भी निर्देश थे और यही स्कीम लागू भी की गई थी। यहाँ किन परिस्थितियों में इकट्ठा हुई इसको भी देखिए।